तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्याज चॉप करी है। आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी सारी प्याज क्यों चॉप करी है, आखिरकार मैं इन प्याज का करने क्या वाली हूँ। तो क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ एक स्पेशल सा डिनर घर में, और डिनर बनाना है क्योंकि आज सैटरडे है। या तो अच्छा सा लंच बनाओ या अच्छा सा डिनर बनाओ, तो मैं डिनर सोच रही हूँ, प्लान कर रही हूँ कि डिनर में कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, तो ये वहां पर काम आने वाला है। और यहाँ पे मैंने गोभी भी बॉयल करी है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो व्लॉग तो मैंने बहुत सुबह स्टार्ट कर दिया था, कशिश की बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी, उसके बाद लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। अभी इवनिंग के डिनर की तैयारी हो रही है क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे में बनता है स्पेशल डिनर। और वैसे भी आज मेरे घर पर मेरी बड़ी नंद आ रही है, एक्चुअली हर दिवाली पर वो यहाँ पर आती है, और इस बार हमारा दिवाली का कोई ऐसा डिनर भी नहीं हुआ है, ना लंच हुआ ना भाई दूज का हुआ। भाई दूज वाला दिन भी बहुत बिजी बिजी गया था, मतलब वैसे तो हम लोगों ने एक साथ मुरादाबाद में दिवाली सेलिब्रेट करी थी, लेकिन स्पेशली मैं उन्हें अपने घर बुलाती हूँ दिवाली के बाद, जिसमें लंच या डिनर जो भी होता है वो हम लोग प्लान कर लेते हैं साथ में। तो आज मैंने उनको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है, तो मैं कुकिंग वगैरह कर रही थी। सोया चाप बनने वाली है, मटर पनीर बनने वाला है, गोभी आलू ऑलरेडी बन गया है। सोया चाप मसाला करी नहीं बना रही हूँ मैं, आज बना रही हूँ सोया चाप बिरयानी। और हाँ, मैं ये कैसे भूल गई कि आज है छठ पूजा, तो मेरे सारे सारे सब्सक्राइबर्स को छठ पूजा की बहुत सारी बधाइयां, और जिन लोगों ने ये व्रत और पूजा करी है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, उनके लिए छठ पूजा बहुत मंगलमय रहे। और पता है मेरी सोसाइटी में भी छठ पूजा का बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है नीचे की तरफ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मटर पनीर, नहीं मटर पनीर क्या मैंने मंगाया था ना, वो तो है लेकिन हाँ, तो बस उसी को हम नहीं है, तो दूध नहीं, आज मैं निकली नहीं हूँ घर से, आज मेरी क्लास भी नहीं होती तो घर पे ही थी मैं आज, वरना मैं डेली मैं लेके आती हूँ। तो गाइस मैं अभी बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, और प्रशांत मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पीनी है चाय, तो मैंने कहा कि खुद ही बना लो यार, मैं इतना सारे चीजों में इन्वॉल्व हूँ अभी, तो वो खड़े हो गए मेरे साथ अपने लिए चाय बनाने के लिए। और मेरे लिए भी बना रहे हो ना, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। तो सोया चाप बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सोया चाप को 3 से 4 पीसेस में कट कर लिया, और यहाँ पर कुछ लिए हैं मैंने मसाले जो कि मुझे ड्राई रोस्ट करने हैं, और उसके बाद इन्हें मिक्सी में पीसना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो इसमें है शाही जीरा जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर है दालचीनी, तेजपात के पत्ते, काली मिर्च, 1 इलायची ब्लैक वाली, और ये कुछ लौंग है, और यहाँ पर है सफ़ेद वाली इलायची, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने मिंट लीफ ले ली है, और यहाँ पर मैंने कोरिंडर लीफ ले ली है, और यहाँ पर बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट है बिरिस्ता यानी कि फ्राई अनियन, जिसे मैंने मॉर्निंग में फ्राई किया था। इसे फ्राई करने में बहुत सारा टाइम निकल जाता है, 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इससे ही बिरयानी में अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी सबसे पहले मुझको सोया चाप बिरयानी बनाने के लिए सोया चाप को मैरिनेट होने के लिए रखना है, और मैरिनेट करने के लिए आपको कम से कम 2 आवर्स तक इसे छोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी सोया चाप बिरयानी और भी अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने सारे खड़े मसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है, उसके बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी। मिक्सी में पीस कर इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है, और इसको फिर आप बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। ये घर का बना हुआ मसाला है, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर सोया चाप ले लिया, उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच के करीब भर के
दही यूज़ किया है, दही यहाँ पर मैंने गाढ़ा वाला यूज़ किया जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने घर का बना हुआ ये मसाला भी इसमें ऐड कर दिया है 1.5 से 2 चम्मच करीब, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है क्योंकि ये घर का बना हुआ है, मसालों से है। और इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है, और यहाँ पर 2 ग्रीन चिली मैंने यूज़ करी है। 1 बड़ा चम्मच के करीब मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रेश जिंजर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब सोया चाप मसाला ऐड किया है, जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इससे सोया चाप बिरयानी में एक अच्छी सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। और इसी के साथ मैंने इसमें नमक ऐड किया है, फिर मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। थोड़ा सा टैंगी रखने के लिए मैंने इसमें लेमन और चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। लेमन से बिरयानी में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो आप भी इसे ट्राई करके देख सकते हो। और कुछ लोग बिरयानी बनने के बाद लेमन ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं मैरिनेशन में ऐड करती हूँ। मैरिनेशन में एक खटास सी, एक अच्छा सा टेस्ट, टैंगीनेस ऐड हो जाती है। और अब मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं कुछ कहते हैं पिसे हुए मसाले जो कि ऑलरेडी मेरे पास हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी है इसके साथ साथ, और ये दो चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। इसके साथ मैंने धनिया पाउडर भी ऐड किया है। हाँ, तो धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसमें मिंट लीफ और कोरिंडर लीफ ऐड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और थोड़ी मिंट लीफ और कोरिंडर लीफ मैंने बचा कर रख ली हैं, क्योंकि जब मैं बिरयानी की लेयर करूँगी तब वो काम में आएंगी। तो अभी इस मिक्सचर को मैरिनेशन के लिए 2 आवर्स के लिए छोड़ देना है। इसी के साथ मैंने जो चावल थे ऑलरेडी काफ़ी देर से भिगो रखे थे, अब मैं इनको बना लूँगी। तो ना मुझे हाफ से थोड़ा ज़्यादा कुक करना है, एटलीस्ट आपको करना है 90% के करीब, और 10% छोड़ देना है। तो इसे मैंने गर्म पानी में पहले शाही जीरा मिला रखा है, तेजपात का पत्ता मिला रखा है, लौंग और इलायची मिला दी है। अब इसमें भिगे हुए चावल मिलाकर इन्हें बॉईल कर लूँगी। साथ के साथ मैं दूसरी तरफ रेडी कर रही हूँ मटर पनीर, और मटर पनीर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर आपको बिना प्याज वाली और प्याज वाली दोनों मटर पनीर की रेसिपी मिल जाएगी। और ये मैं फटाफट से रेडी कर रही हूँ। और जब भी कोई गेस्ट आता है ना यार, तो थोड़ी सी रिच ग्रेवी वाली जो सब्जियाँ होती हैं वो अच्छी लगती हैं खाने में। तो मैंने भी यहाँ पर कहते हैं काजू भिगो दिए थे पानी के अंदर और उसका फाइन पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 8 से 10 काजू भिगोए थे जिसका ये फाइन पेस्ट बनाया है। और इसी के साथ मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई भी ऐड करी है, जिससे कि ग्रेवी एक अच्छी सी बने और खाने में टेस्टी लगे। मैंने आज डिनर के लिए बनाई है मिक्स दाल। इसके अलावा प्रशांत ऑर्डर करने वाले हैं नॉन वेज रागा चिकन शायद ऑर्डर करने वाले हैं, क्योंकि राहुल जी को, मैंने यानी कि मेरे नंदोई जी को चिकन बहुत पसंद है, खास तौर से रुद्रांश को बहुत पसंद है चिकन। और रुद्रांश अगर डिनर पे आ रहा है तो चिकन कैसे ना हो। तो इसीलिए मैं चिकन घर में नहीं रेडी करती, मेरी रसोई में नहीं बनता है, लेकिन हम लोग मार्केट से तो ऑर्डर कर ही सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो सोया चाप मैरिनेट होने के लिए रखी थी ना, ओ माय गॉड, इसको देख के मन कर रहा है मैं ऐसे स्पून लूँ और ऐसे खा जाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा यम्मी लग रही है ना, और लेमन की इसमें खुशबू आ रही है, साथ में घर के मसालों की बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो अभी सोया चाप को मैरिनेट हुए 2 आवर्स हो चुके हैं, तो अभी इसका एक मसाला तैयार करना है जो कि हमें बिरयानी में यूज़ करना होगा। उसके लिए मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, देसी घी की खुशबू अच्छी रहती है बिरयानी में। तो आप बाद में ऐड करो, चाहे पहले मसाले के साथ ऐड कर लो, तब भी बहुत अच्छी खुशबू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर शाही जीरा ले लिया है, लहसुन ले लूँगी, थोड़ा अदरक ले लूँगी, और उसी के साथ फिर मैं इसमें जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था सोया चाप, उसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर अच्छे से पकने दूंगी, जिससे कि जो सोया चाप है वो हल्का सा गल जाए। कुछ देर रखने के बाद सोया चाप
जो है अच्छे से गल चुकी है और जो ऑयल था वो भी सेपरेट आउट हो चुका है, यानी कि मसाला जो था हमारा बिरयानी वाला इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर ये जो मैंने फ्राई अनियन करी थी उसे थोड़ा सा यूज़ करूँगी यहाँ पर, बाकी मैं बचा लूँगी क्योंकि मुझे जब मैं लेयर करूँगी तब काम में आएंगी, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया इसी के साथ। अब मैंने एक फिर से साफ पैन ले लिया जिसमें मैंने हाफ ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। अब इसका डालने के पीछे क्या रीज़न है, ऐसा करने से ना आपका चावल जो है नीचे से जलेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ पर लेयरिंग कर रही हूँ और जब हम लेयरिंग करके चावल को ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ते हैं ना, तो अक्सर नीचे से चावल जो है जल जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, हाफ ग्लास के करीब पानी ऐड कर दीजिए। अब मैंने इसमें एक लेयर चावल की लगा दी है, इसके बाद मैं इसमें फिर सोया चाप की एक लेयर लगाऊंगी। तो ऐसे इसकी मैं दो लेयर लगाऊंगी करीब, और जितना ज़्यादा चावल बनाने आपको उसके हिसाब से आप लेयर बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सोया चाप की भी एक लेयर लगा दी है, इसके ऊपर फिर मैं अनियन की लेयर लगाऊंगी और उसके बाद फिर मिंट लीफ और कोरिंडर लीफ भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बिरयानी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है वेज में, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब भी आप इसे बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। एक्चुअली फॉर अ चेंज कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें चाहिए होती है, हमेशा तो सेम चीज़ हम नहीं खा सकते। तो आपकी बिरयानी को और ख़ास और अच्छा बनाने के लिए, मेहमानों से तारीफ़ पाने के लिए मैं दो ऐसे इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ जिसके बाद ये बहुत ही टेस्टी लगती है, फ्लेवर में चेंज आ जाता है। आप इसमें एक चम्मच के करीब केवड़ा वाटर ऐड करिए और इसी के साथ केसर भी ऐड करिए। तो केसर को मैंने दूध में भिगोकर रख दिया था काफ़ी देर पहले, तो केसर का जो रंग है वो बिल्कुल बदल चुका है और बहुत ही अच्छा रंग आ जाता है इससे आपकी बिरयानी में, ऑरेंज कलर का टिंट आ जाता है जो कि बिरयानी में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अभी मैं इसे ढक के और पकने के लिए छोड़ दूंगी। अभी आप चाहो तो उसे डायरेक्ट गैस पर रख सकते हो। मेरे इस पैन के नीचे एक मोटी वाली लेयर है तो जिससे जल्दी नहीं जलेगी बिरयानी, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो आप इसे तवे के ऊपर रखें। तुम पढ़ाई कर रही हो या गेम खेल रही हो? रुद्रांश गेम खेल रहा है और कशिश पढ़ाई करते करते रुद्रांश की हेल्प कर रही है। Even though it makes
लोगों का। और अभी ये सारी प्लेट्स वगैरह कलेक्ट कर रही हूँ, जगह पर रखूंगी, इनको क्लीन करके रखूंगी एक्चुअली। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें समेटती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह। इस व्लॉग को मैं कल सुबह कंटिन्यू करूँगी। क्या हो रहा है? बर्तन क्लीन कर रही हूँ, आप तो आए नहीं हेल्प कराने। अरे मैंने कराई तो मैं ही कर लेती हूँ। तुमने इतना अच्छा खाना बनाया था, खाना खाने के बाद में ना तुम लुढ़क गए। मैं तो लुढ़क गया। अरे आंटी नहीं आएंगी ना कल, छुट्टी पर है। मैं सोचा कल सुबह मैं संडे की मॉर्निंग टेंशन में उठूं, ये रात भर सोचती हूं कि अरे किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, तो मैंने सोचा रात में सो जाओ। रात के 12 बज रहे हैं, 12:30 बज गए और सो जाऊंगी, कोई बात नहीं। सारे बर्तन क्लीन करके फिर एक एक कप चाय पियेंगे, फिर सोएंगे। ठीक है, तो मतलब अपना ही व्लॉग देखा जा रहा है? हाँ, मुझे जब टाइम मिलता है लेकिन फिर भी ना जब फाइनल लुक हो जाता है यूट्यूब पे चला जाता है, तब खुद का व्लॉग चेक करने में बड़ा मजा आता है। फिर ये भी पता चल जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, क्या क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ, ये भी मुझे दोबारा देखने में पता चल जाते हैं। सीन्स कहाँ अच्छे दे सकती हूँ आपको और क्या अच्छा दे सकती हूँ, ये भी सोचती रहती हूँ देखते देखते। और पता है आज मैंने दो दो रसगुल्ले खाए हैं, दो दो रसगुल्ले। मैंने लाइफ का ना रिकॉर्ड तोड़ दिया, सच्ची पूछो तो दो दो रसगुल्ले खाए हैं मैंने, जबकि मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मीठा से तो मैं बहुत दूर भागती हूँ, आज मैंने दो दो रसगुल्ले खाए हैं। बस मीठे में आपको तो पता ही है बंगाली मिठाई मेरी फेवरेट है, लेकिन आज मैंने रसगुल्ले खा लिए, हद हो गई है। तो रसगुल्ले भी बंगाली ही होते हैं वो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे चमचम और वो सब पसंद है जो छेना मिठाई होती है। और बताओ? कुछ नहीं, कभी कभी मेरा मन करता है रात में पान खा के आऊं। अरे भैया 12:30 बजे पान कौन खाएगा, पता नहीं क्यों। जब भी मैं ऐसा कुछ खाना खाती हूँ ना जिसमें बहुत सारे मसाले वगैरह होते हैं, तो मन करता है कि मैं पान खा के आऊं। रेलवे स्टेशन चलो, वहीं मिल सकता है। अब तो 1 बजने वाला है, 12:30 से भी ऊपर हो गए, कौन बज रहे हैं? निशाचर हैं हम लोग। कल संडे है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से कैमरा कर सकते हो? हाँ, फिसल जाएगा, गिरेगा। इतने सारे बर्तन धुल गए हैं। गुड जॉब ना, गुड जॉब। क्या लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ दिखाई दे रहा है बालकनी से बाहर का व्यू? कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होगा, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। और ना तो ये दिसंबर है और ना ही ये फॉग है। जी हाँ, दिसंबर भी नहीं पड़ रहा है और ना सुबह के 6 बज रहे हैं जो ये फॉग हो सकता है। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11:00 और 11:00 पर कोई फॉग वॉग नहीं है। तो बालकनी से कितना अच्छा व्यू आता था ना मेरे, लेकिन फ़िलहाल कोई व्यू नहीं है। जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, ये है स्मॉग। गाइस कितना ज़बरदस्त स्मॉग है, और इतना स्मॉग हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैं तो कर रही हूँ बालकनी बंद, और बालकनी क्या, मैंने तो अपना घर में सब कुछ बंद ही कर रखा है। और यहाँ पर मैंने वो चला रखा है एयर प्योरीफायर 502 503। जैसे ही मैंने बालकनी का डोर खोला और बढ़ता चला गया ये, आप देख रहे हैं, जबकि इसे 100 से नीचे होना चाहिए। अब बालकनी बंद करिए तो फिर थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। और मैं कल परसों आप लोगों को दिखा रही थी ना, एयर प्योरीफायर हमारा पहुँच गया था 37-38 पर पहुँच गया था ना, या 50 पर पहुंच गया था। मतलब एयर प्योरीफाई होनी शुरू हो गई थी परसों के करीब, लेकिन आज की हालत देख के फिर से, मतलब इतना मुझे लगता है कि कल रात फिर से फरेरी जलाई गई है।
और उसकी वजह से फिर से पोल्यूशन बढ़ा है इतना ज़बरदस्त। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिवाली की वजह से तो थोड़ा बहुत हुआ होगा जो हुआ होगा, लेकिन दिवाली को निकले हुए बहुत सारा समय निकल गया। और दिवाली के बाद ये कल रात क्या हुआ है, कल तो कोई रात दिवाली भी नहीं थी। सो आर यू गाइज एक्साइटेड मुझे क्या मिला है दिवाली गिफ्ट में, मेरी नंद ने मुझे क्या दिया है, मैं भी खुद एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं मिलकर कि क्या मिला है दिवाली गिफ्ट में। मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैं अनबॉक्सिंग कर ही रही थी इसकी। ये तो कंटेनर है, लेकिन इसमें बोतल लगी है। ओके साइड में रखना पड़ेगा इसको। ओ ये तो वाटर फाउंटेन है। हाँ ये वाटर फाउंटेन है। कैसे लगेगा ये एसी के ऊपर लग जाएगा? एक सेकंड रुको। तो इस टब के अंदर पानी भर जाएगा शायद, और वही पानी रोटेट हो के ऊपर आएगा। मोटर इसके अंदर रहेगी। समझ गई। यहाँ से वो लाइट भी जलेगी इधर। तो इसमें ना नीचे पानी भरना होता है और उसके बाद ऐसे रख दो उसको उसके ऊपर। आवाज आ रही है पानी की, बहुत प्यारा लग रहा है। ओह पानी। और मैं पता अभी भी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये यहाँ पर ना कॉर्नर में हो रहे हैं थोड़ा सा। मैं चाहती थी कि ऐसे प्लेस पे लगे जो एकदम से दिखे, मतलब ये इधर कॉर्नर में हो रहे हैं। और पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है वैसे, बाय द वे बहुत प्यारी लग रही है। पहले भी हमारे घर में फाउंटेन हुआ करता था, याद है आपको कितना बड़ा फाउंटेन था? इतना बड़ा वाला फाउंटेन था हमारे पास, इतना बड़ा, और उसमें से हमेशा पानी गिरता रहता था। और वैसे भी मानते हैं कि घर में ना खासतौर से लिविंग रूम में कहते हैं फ्लोइंग वाटर, हाँ फ्लोइंग वाटर गिरना चाहिए, जिससे कि एक जो अच्छा रहता है आपके लिए गुड लक होता है एक्चुअली। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया, जब कोई और अच्छी जगह दिखेगी या फिर वहाँ पर स्टूल लगा कर वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कशिश बोल रही है मुझे क्रिसमस ट्री लगाना है, तो क्रिसमस ट्री की वजह से मैंने वो कॉर्नर नहीं ऑक्यूपाई किया है। तो गाइज यही था आज का व्लॉग, और मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा और सोया चाप बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। तो आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बनाना और खाना, और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय गाइज।